हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चल रहा है रियल एनालिसिस बुक और हम लेकर आ रखे हैं फर्स्ट चैप्टर, यानी कि जिसका नाम है रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में हमने अब तक दो वीडियो डाल ली है। ये आपका लेक्चर थर्ड है जिसमें हमने इंटरवल्स के बारे में बता दिया है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बारे में बता दिया है, और इन्फीमम सुप्रीमम, ये इन दोनों के बारे में बता दिया। आज हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आप उसमें सुप्रीमम और इन्फीमम कैसे फाइंड आउट करोगे, कि इसका सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम क्या है, या लोअर बाउंड क्या है और अपर बाउंड क्या है। आज हम इन प्रॉब्लम्स को लेंगे और क्वेश्चन निकालेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझिए कि इन्फीमम और सुप्रीमम कैसे निकालते हैं। मैं यहां पर लेकर आई हूं आपके लिए सिक्स क्वेश्चंस। इन सिक्स क्वेश्चन से निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे और उनमें बताएंगे कि इसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड है या नहीं है। और फोर प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए दूंगी, आप कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर जरूर लिखिएगा। क्योंकि हम रियल एनालिसिस की बुक कर रहे हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आती है। बुक का नाम है रियल एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रियल नंबर सिस्टम, यानी कि फर्स्ट चैप्टर। तो शुरू करते हैं कैसे हम निकालते हैं सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो देखिए, पहला मेरा क्वेश्चन है 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कैपिटल n मीन्स नेचुरल नंबर ये है। तो हम इसको पहले सिंपल तरीके से क्वेश्चन वाइज लिख लेंगे, यानी कि अगर हम इसको मान के चलते हैं s इज इक्वल टू 1/n है, तो मैं पूरा इसका ये तो क्वेश्चन हो गया s इज इक्वल टू। अब इसमें लिख देती हूँ, जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, यानी कि नेचुरल नंबर ले सकते हैं, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। मैं अगर यहाँ पर 1 रखती हूँ तो मेरा पहला एलिमेंट क्या आएगा, ऑब्वियसली 1। जब मैं यहाँ 2 रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पर मैंने 3 रखा तो 1/3, सो ऑन। ये पूरा आपका इस तरीके से चलेगा। तो देखिये, हमने जैसे कल डिस्कस किया था इन्फीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है। सुप्रीमम में सबसे पहले हम लोअर अपर बाउंड निकालते हैं, अपर बाउंड किसमें, सुप्रीमम में, सुप्रीमम। और इन्फीमम में हम क्या निकालते हैं, पहले लोअर बाउंड। और लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट जो होता है वो हमारा इन्फीमम होता है। अगर आपने नहीं देखा है, मैंने इसकी क्या की है, एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं सारी रियल एनालिसिस की बुक नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और सारी वीडियो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। ये हाउ टू फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो आप समझ ही गए होंगे, सुप्रीमम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपर बाउंड को फाइंड आउट करते हैं और जो उसमें सबसे बड़ा होता है उसे, सबसे छोटा होता है उसमें ले लेते हैं। इसी तरीके से इन्फीमम में हम सबसे छोटा उठाते हैं और उसका जो ग्रेटेस्ट बाउंड होता है वो ले लेते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको काउंट करोगे 1, 1/2, 1/3, यानी कि 1 बड़ा है और 1/2, 1/3 ये सब छोटे हैं, तो हम सुप्रीमम के लिए क्या लेते हैं, अपर बाउंड लेते हैं, यानी कि अपर बाउंड इसका कितना हो गया, ऑब्वियसली कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सुप्रीमम है वो क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से नीचे आपके एलिमेंट जो है 1 से बड़ा कोई नहीं हो सकता, 1 आपका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, इसलिए अपर बाउंड ये हुआ। ओके, आपको सिंपल सीधा सीधा निकालना है। इन्फीमम देखते हैं, देखिए इन्फीमम ऑफ s कैसे निकालते हैं, जब आपको 1/3, 1/4, 1/5 सॉन ये चलता रहेगा तो एक ऐसी टर्म आएगी 1/∞, 1/∞ यानी कि 0। तो आप ये सोच सकते हो कि जो सबसे छोटा होगा वो आपका एलिमेंट 0 होगा, तो हम कह सकते हैं 0। ओके, लेकिन वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये दिखा सकते हैं, इसका जो इन्फीमम है s है इक्वल टू 0 है, बट वो आपके सेट में गिवन नहीं है, यानी कि आप ये तो निकालोगे। ठीक है, आपको आई होप सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों समझ में आएंगे कैसे निकालें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें और समझ में आ जाएगा। सुप्रीमम यानी कि आप अपर बाउंड ढूंढोगे, उससे ज्यादा कोई एक्सिड नहीं हो सकता, तो 1 आया। इन्फीमम सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढोगे और वो आपका आ जाएगा लोअर बाउंड में। नेक्स्ट है n/(n+1), पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं s इज इक्वल टू। फिर से वही, मैंने 1 रखा तो ये 1/2 हो गया, ये 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, सॉन। ये सब आपका एलिमेंट बनेगा। अगर देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगी, इसमें बाउंडेड बिलो ढूंढूंगी, यानी कि लोअर बाउंड ढूंढूंगी, क्योंकि लोअर बाउंड की हम बात करेंगे। लोअर बाउंड के यानी कि सबसे 1/2, अगर मैं 2/3 को देखती हूँ तो क्या बनता है, 0.6, और 1/2 होता है 0.5,
यानी कि आपका जो लोअर बाउंड हुआ कौन सा हुआ, 0.5 हुआ, उसे आगे आगे सारे चलेंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड वो क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब मैं कह सकती हूँ कि जो 1/2 है इससे आपका ग्रेटर कोई भी नंबर नहीं हो सकता है, तो हम इसका GLU भी क्या लिखेंगे, GLB, दैट मीन क्या लिखते हैं GLB को, इन्फीमम। ओके, इन्फीमम क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 1/2। अगर हम सुप्रीम की बात करें, सुप्रीमम की बात करें, तो देखिए सुप्रीमम में यहाँ 1/2, 2/3, 3/4, तो कहीं ना कहीं जाके एक ऐसी एलिमेंट आएगी 1 जाके बनेगा। तो जब आपका 1 बनेगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जो LUB अपर बाउंड क्या हो गया, 1 हो गया, तो LUB कितना हो गया, लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 1, यानी कि सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीम ऑफ S 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सुप्रीमम इन्फीमम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए -2 -3/2 -4/3 -5/4 सो ऑन। अगर हम इसमें देखें तो ये -2 है, -1 बनेगा, -1 बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, -2, यानी कि -2 सबसे छोटा होगा। तो -2 इज द लोअर बाउंड, तो आपका इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ S क्या बनेगा, -2, जो कि बिलोंग कर रहा है S से। इसी तरीके से अपर बाउंड देखते हैं, यानी कि अगर आप इसे चलते रहोगे सो ऑन करके, क्या होता है, -1 -1 -1 तो जो आपका सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ S होगा, वो क्या हो गया, -1 हो गया, जो कि आपका बिलोंग नहीं करता S में। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर z+ का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, और हम ये बता दें कि जो z+ होता है वो बाउंडेड अबव नहीं होता, यानी कि आप इसे ध्यान रखिएगा, z+ इज नॉट बाउंडेड अबव, क्योंकि उसकी कोई भी कंडीशन नहीं होती। देखो अगर हम z यानी कि इंटीजर के पॉजिटिव वाली एलिमेंट दिखाएं तो 0 से लेकर स्टार्टिंग तो सारी हो जाएगी, यानी नहीं 1 से करेंगे ना, पॉजिटिव में 1 से स्टार्ट तो सारे हो जाएंगे, लेकिन कहां तक है हमें नहीं पता, इसलिए हमें बाउंडेड अबव नहीं पता है, केवल हमें बाउंडेड बिलो पता है, तो हम इसका केवल इन्फीमम निकाल सकते हैं, सुप्रीमम नहीं निकाल सकते। z+ का इन्फीमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सुप्रीमम हमें नहीं पता क्योंकि हमें इसका बाउंडेड अबव नहीं पता होता है। तो आप लिख सकते हैं सुप्रीमम इन्फीमम एस z+ इज इक्वल टू 1 एंड सुप्रीमम ऑफ z+ डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हमको नहीं पता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहे हो क्वेश्चन, और करते हैं इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले हम फिर से वही सेट बना लेते हैं, यानी कि सबसेट बनाएंगे। मैं जब 1 पुट करती हूं तो यहां पर आ जाएगा -1 और ये हो गया 1, यानी कि आपका हो गया 1, लेकिन जैसे ये आपके हो गया 1 -1, क्योंकि -1 होगा, फिर आपका कितना आ जाएगा, 2 क्यों आएगा, क्योंकि हमने -1 की पावर 2 कर दी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर आएगा आपका -3, फिर +4, -5, फिर +6 ऑन, इस तरीके से आपके चलते रहेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ -1 हो गया, फिर -3 हो गया, -5 हो गया, तो ये ना ही आपका बाउंडेड बिलो होगा ना ही बाउंडेड अबव होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे सही से लिखें तो -5 -4 -3 -2 सो ऑन 1, ये -2 नहीं आएगा, -5 आएगा, -3 आएगा, देखिए -3 आएगा, -1 आएगा, फिर उसके बाद 2 है पॉजिटिव, फिर 4 है, 6 है, तो आगे तक ये नहीं पता हमें कहां तक चलेगा, यानी इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना ही इसमें सुप्रीमम होगा और ना ही इन्फीमम होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि उसकी ना अपर बाउंड हमें पता है ना ही हमें लोअर बाउंड पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पहले इसमें वैल्यू निकाल देते हैं, ये हुआ -1 ये -1 की पावर 1 और ये 1, यानी कि 1 -1 0, जब हम 2 रखेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया 1/2, 1+1/2 यानी कि 3/2। नेक्स्ट देखिये,
नेक्स्ट इसको जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 यानी कि नेगेटिव आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 3 यानी कि 2 बाई 3। थोड़े से लिख देते हैं पूरा 5/4 सो ऑन। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखूं तो देखिए ये सारे छोटे होंगे, 0, 2/3, एक और लिख लेते हैं इसका 4/5। देखिए 5, आप समझ रहे हैं, ये 2 तो 2, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 6 ऐसे आएंगे, ये सो ऑन हो जाएगा और यूनियन क्या बन जाएगा 3/2, 5/4। ये सब मैंने इसलिए करा है, आप देख सकते हैं कि ये छोटे हैं, 0 से छोटे छोटे हैं और इधर हमने जो लिए हैं वो 1 से बड़े बड़े होंगे। ओके, इसलिए मैंने ये लिया है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरा जो 0, एक तो एलिमेंट बना 0 और अपर एलिमेंट बना 3/2, यानी कि अगर हम लोअर बाउंड की बात करेंगे, लोअर बाउंड हो गया हमारा 0 यानी कि इन्फिमम ऑफ एस हो गया हमारा 0, और अगर हम 3/2 यानी कि सबसे बड़े की बात करेंगे तो 3/2 हो गया यानी कि अपर बाउंड ये हो गया, तो अपर बाउंड में सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 3/2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे करती हूँ कि आपको बताना इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड है या नहीं है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन हमारा, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, -1, -2, -3, -4, -1। आपको इस सॉन आपको बताना है इसमें बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है, तो हम कह सकते हैं देखिए बाउंडेड अबव नहीं है, -1 क्या होगा आपका सबसे बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में तो जितनी वैल्यू बढ़ती रहती है वो सबसे छोटे होते रहते हैं, तो -1 सबसे बड़ा होगा, तो हम ये कह सकते हैं इसमें बाउंडेड अबव केस है, अबव केस है, बिलो का हमें नहीं पता क्योंकि डैश डैश है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका 1, 2, 3, 4, 5 सॉन, तो आप बता सकते हैं ये बाउंडेड अबव है कि बाउंडेड बिलो है, तो ऑब्वियसली ये बाउंडेड बिलो है, बिलो मतलब सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारा बाउंडेड बिलो का एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये है 2, 2 की स्क्वायर सॉन, तो आपको मुझे ये बताना है कि इस ये बाउंडेड अबव है कि बाउंडेड बिलो, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स पे करके बताएंगे इसका आंसर, ये बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव, प्लीज कमेंट बॉक्स पे करके दिखाइएगा। और एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको, मुझे इसमें बताना है, यहां पर लिख देती हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 1/4, 1/4 का स्क्वायर सॉन 1/4 की पावर n। तो देखिए अगर मैं इसमें बात करूंगी सॉन कि बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव है या नहीं है, तो हम इसमें कह सकते हैं ये दोनों हैं, बाउंडेड बिलो इसलिए है क्योंकि यहां पर आपकी वैल्यू 1 है, बिलो हो गया, बाउंडेड अबव में क्या हो गया, जब हम यहां पर सॉन 1/n करेंगे उसके बाद n+1, n+2, n+3 सॉन चलते रहेंगे और n की वैल्यू पुट करेंगे 1, 2, 3, तो कहीं ना कहीं इसमें जाके वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसमें कह सकते हैं कि दोनों बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव है। जब हम बात करेंगे किसकी, बाउंडेड बिलो की बात करेंगे, यानी कि पहले बाउंडेड अबव की बात कर लेते हैं क्योंकि आगे 1/4 है, 1/4 यानी कि छोटा, सबसे बड़ा इसमें एलिमेंट कौन सा होगा, 1 होगा, यानी कि इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ जो भी आपने सेट लिया है वो हो जाएगा 1 और इन्फीमम हो जाएगा ऑब्वियसली 0 क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट तक चलेगा, तो ये हो गया आपका 0। तो सुप्रीमम और इन्फीमम इसमें दोनों एग्जिस्ट करेंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, अगर आप और इसके क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो मैं इसके कमेंट बॉक्स पे यानी कि जब भी आप बोलेंगे उस पर आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करा दूंगी। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं कंप्लीटनेस के साथ, टॉपिक है हमारा अगला कंप्लीटनेस, ये ही रियल नंबर सिस्टम का टॉपिक है कंप्लीटनेस, इसके साथ डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाएंगे और हमारी वीडियो देखिएगा, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है आप उसे चेक करते रहिएगा। बाकी आप ग्रुप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट है, मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक डाले हैं, लगभग 300 से 400 वीडियो डाली हुई हैं, सारे मैथमेटिक्स की, बीएससी की, एमएससी की, तो आप जाके जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू सो मच।